guys, welcome to my channel Beauty and Style Lata. Today I will share you a sea green smoky eye makeup look. तो ये है eye makeup. If you like my video, then please like, share, comments, and don't forget subscribe to my channel. Thank you. पहले मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, इससे मेरा फेस ड्राई नहीं होगा क्योंकि ठंडी का मौसम है, इसीलिए मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। शैम्बोर के प्राइमर यूज कर रही हूँ, ये मैं नोज, चीक और चिन और आईलिड पे मैं लगा लूंगी। प्राइमर से ये होता है कि आपके जो ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाता है और फाउंडेशन जो मैं लगाऊंगी वो अच्छे से सेट हो जाएगा। फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन सुपरस्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन, इसका शेड है हनी 320। ब्रश से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, इसको डैब डैब करके ही लगाती हूँ और सर्कुलर मोशन में राउंड कर करके लगाती हूँ कि इसको खींचना नहीं है। अगर ब्रश से आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये दाग दाग मतलब लाइनिंग दिखता है, तो आप देख सकते हो मैं अच्छे से इसको डैब डैब और सर्कुलर मोशन में घुमा के मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन। और एकदम हल्के हाथ से ये फाउंडेशन ब्लेंड करना होता है क्योंकि आपके मेकअप के लिए यही बेस है और ये अगर अच्छा नहीं हुआ तो मेकअप पूरा बेकार लगता है। कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन एज रिवाइन कंसीलर, इसका शेड है मीडियम शेड, ये मैं लोअर आइज पे लगा लूंगी चिन में, फोरहेड, नोज लूंगी, चीक के थोड़ा नीचे। कंसीलर ब्रश से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये मैंने कंसीलर ब्रश न्यू लिया है, ये पैक का कंसीलर ब्रश है, तो मैं आज इसका रिव्यू भी कर रही हूँ कि कैसा है। तो ये ब्रश मैंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है और बहुत एकदम फिनिशिंग दिखता है, जैसे आपके ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत सारे फाउंडेशन खा जाता है, ब्रश में ऐसा नहीं है। और ये ब्रश मुझे बहुत सस्ते वाला ब्रश मिला है 395। कंसीलर ब्रश पैक के बहुत सारे हैं जो 500, 600, 700, बट मुझे ये 400 के करीब जो है मिल गया और इसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो ये मैं कंसीलर पूरे फेस में मतलब जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ये कंसीलर से मेरी एक ग्लोइंग और हाईलाइट जैसे लुक उठ के आएगा। लैक्मे के रोज़ पाउडर लगा रही हूँ, ये पाउडर मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी। मैंने जो अभी फाउंडेशन और कंसीलर लगाया है तो ये पाउडर फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से सेट कर देगा और ऑयली और पैची लुक नहीं होगा। मिस क्लियर के आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ, इसका शेड है डार्क ब्राउन शेड। पुली से मैं आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर लूंगी और सेट कर लूंगी। लोअर आइज के पास मैं ये लूज पाउडर लगा रही हूँ कि मैं आई शेडो करूंगी तो उसका अगर फॉल आउट हुआ तो स्किन के साथ चिपकेगा नहीं, पाउडर के ऊपर ही पड़ेगा और ये डस्ट आउट में निकल जाएगा। शुगर के आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ, इसमें से ये डार्क ब्राउन कलर में यूज कर रही हूँ। क्रीज के ऊपर मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, क्रीज के मिडिल से लेके आइस के आउटर कॉर्नर तक मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और लोअर आइस पे भी मैं लगा लूंगी। इनर कॉर्नर में एकदम लाइट रखूंगी। बुलेट ब्रश से मैं आइस के इनर कॉर्नर में थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और आउटर कॉर्नर में भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी।
शुगर पैलेट से मैं ये ब्लैक कलर के आई शेडो यूज़ करूँगी। ये मैं आइस के आउटर कॉर्नर पे विंग में मैं लगा लूँगी। ये एकदम बड़ा विंग नहीं करूँगी मैं, हल्का ये रहेगा। आउटर कॉर्नर पे क्रीज के ऊपर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ये आइस के एकदम एंड में मैं थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। लोअर आइस के मिडिल तक मैं करूँगी ये ब्लैक कलर के आई शेडो, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आइस के इनर कॉर्नर में एकदम लाइट कर लूँगी मैं। आइस के आउटर कॉर्नर में मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ ब्लैक को। शुगर पैलेट से ये मैं बेज कलर मैं लगा रही हूँ, तो ये मैं आइस के इनर कॉर्नर में थोड़ा लगा लूँगी कि एक क्रीज जैसा, कट क्रीज जैसा दिखे, बट मैं ऐसे ही थोड़ा वहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। रेवोल्यूशन पैलेट से ये मैं सी ग्रीन कलर के आई शेडो यूज़ करूँगी। इनर कॉर्नर से लेके जहाँ तक ब्लैक के ये दिख रहा है वहाँ तक मैं लगाऊँगी ब्लैक, जहाँ जहाँ पर मैंने ख़त्म किया है आईलिड के। लोअर आइज पे इनर कॉर्नर में भी मैं लगा लूँगी ये सी ग्रीन कलर के आई शेडो। आइज के आउटर कॉर्नर में मैं थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कि ये ब्लैक और ग्रीन जो सी ग्रीन लगा है उसके एजेस ना दिखें, तो थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी और अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। कलर बार के आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। सिंपल आईलाइनर मैं ड्रॉ करूँगी, इसमें कोई विंग वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी मेरे आउटर कॉर्नर में, आइस के आउटर कॉर्नर में है। आइस के इनर कॉर्नर में मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर लूँगी। कलर बार के काजल यूज़ कर रही हूँ, ये मैं लोअर आइस पे लगा लूँगी, लोअर आइस आइस के वाटर आईलाइनर पे, और आइस के अपर आइस के अंदर भी मैं लगा लूँगी। ये आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ। आईलैशेस कर्लर यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। मश्करा मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार के मश्करा, ये अपर आईलैशेस और लोअर आईलैशेस में मैं लगा लूँगी। लोअर आइज को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, मैंने जो कंसीलर लगाया था जिस ब्रश से, जो कंसीलर ब्रश है उससे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और पाउडर ब्रश से मैं डस्ट आउट कर लूँगी। पैक के कॉन्ट्रोल पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं आज ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। फोरहेड में मैं कॉन्ट्रोल यूज़ कर रही हूँ। जॉ लाइन में भी मैं कॉन्ट्रोल यूज़ कर रही हूँ। नोज में भी मैं कॉन्ट्रोल यूज़ कर रही हूँ। कलर बार के ब्लश यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड है कोरल क्रेविंग। मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड है गोल्डन शेड। चीक पे मैं लगा लूँगी, चिन में भी मैं हाइलाइटर लगा लूँगी, नोज में मैं हाइलाइटर लगा लूँगी फिंगर से। आईब्रो को भी मैं हाइलाइटर कर लूँगी।
आइस के इनर कॉर्नर में भी मैं हाइलाइटर लगा लूँगी। लिपस्टिक में यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिपस्टिक, इसका शेड है 15 नंबर शेड। कलर बार की फिनिशिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है।